गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, दैट इज मनी मार्केट। मनी मार्केट क्या होती है? मनी मार्केट आप कब यूज करते हो? जब आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए। इसके बारे में, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट और इंस्ट्रूमेंट्स उसमें क्या यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ हम एक बार ब्रीफ में अपने चैप्टर नंबर 1 में समझ कर आए हैं। यहाँ पे हम उसी चीज़ को डिटेल में देखेंगे। मनी मार्केट का मतलब है वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आप जो मनी है वो बोरो कर रहे हो या लेंट कर रहे हो, मतलब या तो उसे ले रहे हो या उसे दे रहे हो फॉर अ शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड का मतलब फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, तो उसे हम कहते हैं मनी मार्केट। वो सेंटर जहाँ पे आप शॉर्ट टर्म मॉनेटरी एसेट्स को बाय और सेल करते हो, उसे हम कहते हैं मनी मार्केट। अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मनी मार्केट इज द सेंटर ऑफ डीलिंग्स मेनली इन शॉर्ट टर्म मॉनेटरी एसेट्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग मनी मार्केट क्या है? सेंटर ऑफ डीलिंग्स जहाँ पे आप शॉर्ट टर्म मॉनेटरी एसेट्स में डील कर रहे हो। तो फीचर्स क्या निकल के आते हैं मनी मार्केट के? मार्केट है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स के लिए। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स है मतलब लिक्विड होंगी जिसे आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो कैश में, उन एसेट्स के लिए जो लिक्विड है और आर क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर मनी, मतलब जिसे आप मनी में easily convert कर सकते हो जल्दी से। दूसरा, जो मनी के equivalent ही मानी जाती है। और जो financial asset है, period हमने बात किया कि 1 साल तक हो सकता है। जो duration है money market के instruments की, वो 1 दिन से लेकर 364 days तक हो सकती है। money market में different sub markets होती हैं, इसे भी हम first chapter में detail में कर चुके हैं। ट्रेजरी बिल्स मार्केट, कोलेट्रल लोन मार्केट, बैंकर्स एक्सेप्टेंस मार्केट, कॉल मनी मार्केट एंड कमर्शियल बिल मार्केट एक्सेट्रा। मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सेफ हैं। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल साउंडनेस है इशूअर्स की। कैसे? ट्रेजरी बिल्स कौन इशू कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेफ है। सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट कौन इशू कर रहा है? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, सेफ है। देन जो ट्रांजेक्शन मनी मार्केट में होती है वो आप करते हो ब्रोकर की हेल्प से भी कर सकते हो और बिना ब्रोकर की हेल्प से भी कर सकते हो। जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड होते हैं मनी मार्केट में, आप उन्हें इजीली कन्वर्ट कर सकते हो कैश में स्पीडली और लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे एंड विद लेस फॉर्मेलिटीज, क्योंकि जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन्हें ट्रीट किया जाता है एज नियर मनी। देन आते हैं फंक्शंस क्या है मनी मार्केट के। जो फंक्शंस थे आपके फाइनेंशियल मार्केट्स के, वो सारे फंक्शन जो फाइनेंशियल सिस्टम के थे, वो सारे फंक्शंस यहाँ पे आ जाते हैं। पहला, ये अनेबल करता है बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट सेक्टर को कि जो भी उनके पास सरप्लस मनी पड़ी है शॉर्ट पीरियड के लिए, वो उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। एज अ कोऑर्डिनेटर सर्व करता है बिटवीन बोरोअर्स एंड लेंडर्स जो शॉर्ट टर्म फंड्स के हैं। हेल्प करता है कमर्शियल बैंक्स को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इन मीटिंग देयर SLR रिक्वायरमेंट, ट्रेजरी लिक्विडिटी की जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करने के लिए। हेल्प करता है इन प्रमोटिंग लिक्विडिटी एंड सेफ्टी ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट। ये अनेबल करता है कि वो इंस्टीट्यूशंस जिन्हें शॉर्ट टर्म फंड्स की नीड है वो फंड्स रेज कर सकते हैं कम फ्लोटेशन कॉस्ट पे। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है? जब आप किसी सिक्योरिटी को इशू कर रहे हो तो उसे इशू करने के लिए जो खर्चा आता है उसे फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं, और अपनी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को क्विकली मीट आउट कर सकते हैं। इसी की वजह से, मनी मार्केट की वजह से ही जो है सेंट्रल बैंक अनेबल हो पाता है कि वो रेगुलेट कर सकता है लिक्विडिटी इकोनॉमी में मनी मार्केट में पार्टिसिपेट करके। जो सेंट्रल बैंक है जो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है वो लिक्विडिटी इकोनॉमी में ओपन मार्केट ऑपरेशंस करके और मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, दैट इज प्री रिक्विजिट्स क्या है एक एफिशिएंट मनी मार्केट के।
एक वेल डेवलप्ड मनी मार्केट जरूरी है एक डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए। तो उसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स होना जरूरी है। प्री रिक्विजिट्स एफिशिएंट मनी मार्केट के क्या क्या हैं? पहला है डेवलप्ड मनी मार्केट, डेवलप्ड बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम लिंक है बिटवीन सेंट्रल बैंक और जो वेरियस सेगमेंट्स हैं मनी मार्केट के उनके बीच का। जो कमर्शियल बैंक्स हैं मेन सोर्स हैं सप्लाई और डिमांड जो फंड्स की होती है मनी मार्केट में। बिना बैंकिंग सिस्टम के अगर जो एक डेवलप बैंकिंग सिस्टम नहीं है तो मनी मार्केट फंक्शन एफिशिएंटली नहीं कर सकती। दूसरा है एक्टिव सेंट्रल बैंक, मतलब जो आपका सेंट्रल बैंक है जैसे इंडिया में आरबीआई है। सेंट्रल बैंक डायरेक्ट करता है, कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है मनी मार्केट को। जो भी सरप्लस कैश अगर लोगों के पास शॉर्ट पीरियड में पड़ा है तो स्लैक सीजन में जब काम नहीं है जो भी सरप्लस कैश पड़ा है उसको एब्जॉर्ब करता है और एडिशनल कैश प्रोवाइड करवाता है बिजी सीजन्स में। जब आपको पैसे की जरूरत है तब आपको एडिशनल कैश को प्रोवाइड करवाता है। सेंट्रल बैंक इंक्रीज और डिक्रीज करता है लिक्विडिटी इकोनॉमी में थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस और अदर मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स। तो सेंट्रल बैंक जो है वो बहुत एक्टिव रोल प्ले करता है इन द मॉनेटरी स्टेट इन द इकोनॉमी और मॉनेटरी पॉलिसी को उसी के अकॉर्डिंग वो ऑपरेट करता है मनी मार्केट में। द नेक्स्ट इज योर एग्जिस्टेंस ऑफ वेरियस सब मार्केट्स। मनी मार्केट हम डेवलप्ड कब कहेंगे हैं? जब जो उसकी सब मार्केट है वो बहुत सारी सब मार्केट्स हैं, मतलब जो लोग हैं उनके पास वेरियस ऑप्शंस हैं इंस्ट्रूमेंट्स के जहाँ पे वो उसे बाय और सेल कर सकते हैं। जैसे कॉल मनी, शॉर्ट नोटिस मनी मार्केट, कमर्शियल बिल मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एसेट्रा। सब मार्केट्स में इंटीग्रेशन होना भी जरूरी है, कोऑर्डिनेशन होना सब मार्केट्स के बीच में जरूरी है क्योंकि डिस्पैरिटीज इंटरेस्ट रेट्स में होती हैं वेरियस सब मार्केट्स में। जो कंपटीशन है विद इन सब मार्केट भी होना चाहिए और बिटवीन डिफरेंट सब मार्केट्स भी होना चाहिए। नेक्स्ट इज योर अवेलेबिलिटी ऑफ वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। मनी मार्केट ऐसी होनी चाहिए जो ऑफर करे वेरियस टाइप्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो बोरोवर्स और लेंडर्स की नीड्स को फुलफिल कर सके। देन नेक्स्ट इज योर एग्जिस्टेंस ऑफ एक्टिव सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट का मतलब क्या होता है? वो मार्केट जहाँ पे आप ऑलरेडी जो इशूड सिक्योरिटीज हैं उनको बाय और सेल कर रहे हो। तो एक्टिव सेकेंडरी मार्केट भी होना जरूरी है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की। अगर सेकेंडरी मार्केट एक्टिव नहीं होगी तो मनी मार्केट भी एक्टिव नहीं हो सकती। देन नेक्स्ट इज योर एडिक्वेट डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फंड्स। लार्ज डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फंड्स अगर होगी तभी जो मनी मार्केट है वो एक्टिव और डेवलप्ड हो पाएगी। लार्ज नंबर ऑफ डाइवर्सिफाइड पार्टिसिपेंट्स मनी मार्केट में अगर होंगे तभी जो मनी मार्केट है उसमें एडिक्वेट डिमांड और सप्लाई ऑफ फंड्स होगी। नेक्स्ट इज योर इफेक्टिव रेगुलेटरी मैकेनिज्म। जो ऑपरेशंस है मनी मार्केट के वो डायरेक्ट रेगुलेट और मॉनिटर करता है सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट, सेबी और अदर अथॉरिटीज। वो एनालाइज करती हैं रेगुलेटरी अथॉरिटीज मॉनिटरी स्टेट को मनी मार्केट की और इशू करती हैं उसके अकॉर्डिंग गाइडलाइंस। नेक्स्ट इज योर सपोर्टिव इकोनॉमिक पॉलिसीज। गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज बनाती है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, ये सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज जो बनाई जाती हैं वो प्रमोट करती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को, डोमेस्टिक फॉरेन ट्रेड को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। और इन सब चीज़ों के लिए आपको मनी की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये सब चीज़ें होंगी तभी डेवलपमेंट हो पाएगी मनी मार्केट। नेक्स्ट, इसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सपोर्टिव पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट जो है अगर वो सपोर्टिव होगा तो ये भी फैसिलिटेट करते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ मनी मार्केट। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर हेल्प करता है इन प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ जो सपोर्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ मनी मार्केट को। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन मनी मार्केट, ये ऑलरेडी हम अपने पिछले चैप्टर्स में कर चुके हैं।
कॉल एंड मनी, कॉल एंड नोटिस मनी मार्केट, बैंकर्स एक्सेप्टेंस मार्केट, कोलेट्रल लोन मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट, कमर्शियल बिल मार्केट, ये ऑलरेडी हम पीछे कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे इंस्ट्रूमेंट्स क्या है मनी मार्केट के, वही जो मार्केट्स जिस नेम से है वही सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, ये भी हम ऑलरेडी अपने पिछले चैप्टर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। ट्रेजरी बिल्स हैं, कैश मैनेजमेंट बिल्स हैं, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, बैंकर एक्सेप्टेंस, मनी मार्केट, म्यूचुअल फंड, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड कमर्शियल बिल्स। नेक्स्ट जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।